नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंडिया में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ सुरक्षा बलों और दो अधिकारी और एक जवान घायल हो गए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इनकी तलाश के लिए अभी ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी था और आतंकी संगठन अबरार लश्कर का टॉप कमांडर था। मारे गए आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। योगी सरकार की नजर दलित वोट पर भी है। दलित वोटों को साधने के लिए सरकार राजधानी लखनऊ में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर स्मारक बनवाने जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अम्बेडकर स्मारक का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी यूपी के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे विधानसभा के ठीक सामने स्थित लोकभवन सभागार में इसका शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनने वाले स्मारक का नाम अम्बेडकर सांस्कृतिक सेंटर दिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल यानी कि LAC पर अप्रैल महीने से सीमा के मामले में भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच शुरुआत में रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे, लेकिन लगातार चले बैठकों के दौर के बाद बीते दिनों तनाव में कुछ हद तक कमी देखने को मिली थी। हालांकि बॉर्डर के पास चीनी सैनिक की गतिविधियों की कुछ रिपोर्ट्स ने फिर से माहौल को बदल दिया था। ऐसे में भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेज दिया है। चीन के खिलाफ भारत का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी लगातार हो रही है और ये तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर से दोनों ईंधनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 98.81 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की लगातार कमी देखी जा रही है, तो वहीं घरेलू बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 4 मई के बाद से आज 32वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो कि पूरी तरह से आम जनता की जेब पर डाका डाल रहा है। एक्टर अर्जुन कपूर ने अपना बर्थडे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया। इस मौके पर कई सेलिब्रिटीज अर्जुन की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए और उनके फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ढेरों बधाइयां दी। सभी का इतना प्यार देखकर अर्जुन कपूर भी भावुक हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बड़ी खास बात लिखी है। इस पोस्ट में उन्होंने मलाइका अरोड़ा का भी जिक्र किया है। अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि बर्थडे लंच के दौरान किसी सोच में पड़ गया था। एक साल में इतना कुछ बदल जाता है ना। एक साल पहले मैं पूरी तरह से निराश, हताश, थका हुआ, भ्रमित था, लेकिन आज मैं नई ऊर्जा, दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी मुश्किल भरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। और आज मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास जताया और मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है, मेरा ख्याल रखा है। इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।